ईद आई है सुलगती हुई यादें लेकर, आज फिर अपनी उदासी पे तरस आता है। कुर्बानी होते देखते हैं? देखता हूँ, लेकिन मुझे जान जाती हुई बुरी लगती, तकलीफ देती। बेगमात के बिना ईद मनाने वालों मर्दों को क्या पैगाम देंगे? लानत भेजता हूँ उनके ऊपर। दो टके की औरत जिसने अपना बसा हुआ घर बर्बाद किया, अपना बच्चा छोड़ा, बिल्कुल उसको मैं दो टके के बिना कहूँ। फिर मोहब्बत की बात हो जाए, तेरे हाथों भी मात हो जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आतिका शेख। नाज़रीन, ईद का दिन है, आप सबको ईद मुबारक उर्दू पॉइंट की तरफ से। और आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ और जिनके साथ मैं ईद मनाने वाली हूँ, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हलीलुर रहमान साहब। उनके साथ थोड़ी सी करेंगे चिट चैट और जानेंगे उनका ईद का दिन कैसा गुजरता है। आइए चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। सर, मुझे ये बताइएगा, बकरा ईद कैसी गुजरती है आपकी? अभी पिछले 2.5-3 सालों से जो बड़ी ईदें आ रही हैं, बकरा ईदें आ रही हैं, वो ये तड़प कर गुजरती हैं कि पता नहीं मेरे यहाँ गरीब लोगों के पास उस दिन ईद के लिए कुछ करने को पैसे भी हैं कि नहीं हैं। जिस तरह की महंगाई का एक इफरीत उनके सर पर सवार है। बिल्कुल। तो बस दुआ कीजिए कि हम लोगों को जिनके पास थोड़े बहुत वसाइल हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो अकेले ईद ना मनाएं, साथ उनको भी शामिल करें। बहुत प्यारी बात कही आपने। सर, ईद पे स्पेशल पहले दिन क्या करते हैं आप? कैसी ईद पे क्या होता है आपका स्पेशल? अभी तो हालात अच्छे हो गए, नहीं तो पहले मैं लिखा करता था ईद वाले दिन भी। ईद वाले दिन भी लिखा करते थे? क्योंकि मेरी ज़िंदगी की रिक्रिएशन मेरा लिखना है। लिखना है? हाँ, मैं खुश होता हूँ जब मैं लिखूँ कुछ, तो वो खुशी का दिन होता है। ईद बजाय खुद खुशी है, तो मेरे लिए ईद वही है कि मैंने कुछ ना कुछ लिखा। सर, बकरा ईद है, ज़रूर आपने कोई कुर्बानी का जानवर खरीदा होगा? डेफिनेटली, उसका तो क्रेज़ है मुझे बचपन से। अच्छा। उसके बाद ये क्रेज़ कन्वर्ट हुआ मेरे बेटों के अंदर। ओके। ओ, दे आर क्रेजी लाइक मी, एब्सोल्युटली। अब मुझे ये बताइएगा, कोई रेसिपी आपकी खास खानदान में चलती हो, आप डिमांड करते हो भी आज ईद पे ये बनेगा? डिमांड नहीं करता, ईद वाले दिन कोशिश करता हूँ मैं खुद खाना बनाऊँ, और मेरा खाना बनाना मेरे घर में फेस्टिविटी होती है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। क्या अच्छा बनाते हैं? गोश्त ज़्यादा, पुलाव भी अच्छा बना लेता हूँ, मटर पुलाव भी अच्छा बना लेता हूँ, दालें भी कुछ एक दो अच्छी बना लेता हूँ। मतलब अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेते हैं? मैंने अपनी बीवी को खाना पकाना सिखाया, उसको तो अंडा उबालना नहीं आता था जब आई थी। छोटी सी तो थी, 15 साल 8 महीने की, मैं 19 साल 5 महीने का था, तो उसको बिल्कुल भी खाना पकाना, अंडा तोड़ देती थी उबालते हुए वो। आपने कैसे खाना सीखा? मैंने अपनी माँ को देख देख के। मैं पहली रोटी, पहली प्लेटर नहीं होती थी, तो मैं ऊपर बैठा होता था, डोइयाँ भी खाता था उसकी, अल्लाह उनको देख रहमत करे। तो फिर वो मेरी नज़र रहती थी ना, मेरे अंदर अल्लाह ने कुछ चीज़ डाली हुई ऑब्जर्वेशन नाम की, तो वो चीज़ें ऑब्जर्व रही। जब मेरे छोटे थे, जब वालदा का इंतकाल हो गया, तो बहनें अभी छोटी थी, उनको खाना पकाना नहीं आता था, वो पढ़ भी रही थी, तो उन्होंने खैर शुरू कर दिया मेरी बहनों ने, लेकिन वो मज़ा नहीं था। फिर मैंने खुद बनाया, और पहले ही दिन अच्छा खाना बनाया। आज तक मेरी रेसिपी में कभी नमक भी ज़्यादा नहीं हुआ। फर्स्ट डे तो आप अपने घर पे खाना बनाते हैं, जो सेकंड डे आपका गुजरता है वो क्या आप जाते हैं कहीं दोस्तों में बैठते होंगे या? मेरी बहुत छोटा हल्का है, तो मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर पे ही होते हैं जी। उंगलियों पर, उंगली की पोरों पर गिने जाते हैं मेरे दोस्त। ओके। तो मैं वो टाइम प्रेफर करता हूँ अपने घर में गुजारने का। सर, मुझे ये बताइएगा, जो बचपन की ईद है वो किस तरह की गुजरती थी आपकी? कुछ मेमोरेबल डे आपका याद हो, कुछ आपको पता हो कि भाई ये चीज़ मेरी बहुत अच्छी थी बचपन में? एक बकरा हमने पाला हुआ था मेरी दादी ने, और अल्लाह जानता है, ही वॉज़ लाइक आर फैमिली मेम्बर। मैं स्कूल से आता था, वो भागता हुआ मेरे पास आता था, और इस तरह सर झुकाता था, और मैं बस्ता रख देता था, और मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि उसे उसके होते हुए कुत्ता भी नहीं पड़ता था हमें, वो इतना इस मामले में पक्का था, और हमारे साथ वो इतने सारे टायर होते थे, खेलता था। जिस दिन उसकी कुर्बानी होनी थी ना, जो हमारे घर में वो चीखो पुकार आज तक हुई हुई है, हम सब बच्चों को इन्होंने छत पे भेजा, ऊपर एक बड़ा कज़न हमारा मुकरर किया कि वहां तक ना आए, वो हम इतना रोए, इतनी चीखें मारी, मैं जिद्दी था तो मैं पहुंच गया, और मुझे याद है उसको लिटाया, और मेरे ताया अल्लाह की रहमत करे रशीद साहब, ताया रशीद, वो छुरी फेरते थे उस वक्त, उन्होंने छुरी पीरी, मेरे चचा ने उनकी टांगें पकड़ी हुई हैं, वो हिला तक नहीं है, खुदा की कसम, ये मैं भूल नहीं पाता। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई बकरा पालने की।
सर, लोग आपके बात सुन के मुझे लग रहा है कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, लोग आपको बहुत समझते हैं कि आप अग्रेसिव हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन आप अपनी शख्सियत आपकी इस तरह की नहीं है। अतीका, मैं दसियों दफ़ा बता चुका हूँ, अगर आप डिसऑनेस्ट नहीं हैं जी, अगर आप अपने काम चोर नहीं हैं, तो भैया मुझे आप अपने पैरों में बिठा लें। अगर आप बददियानत हैं और बड़े अमीर हैं तो आप मुझसे तवक्को करते हैं, मैं आपकी इज्जत करूँगा, तो वो आप खाम ख्याली है आपकी। बिल्कुल सर, ईद जैसे माशाल्लाह से इतना प्यारा आपने सूट पहना हुआ है, अपनी बेगम को भी सूट लेके देते होंगे। एक तो ये सूट जो है ये मेरा दोस्त डिज़ाइनर एफी, उसके स्पॉन्सर्ड होते हैं जो मैं आजकल पहनता हूँ। शॉपिंग पे जाते हैं अपनी बीवी के साथ? तो अब अस्तग़फ़ार, बीवियों के साथ शॉपिंग करना मौत को दावत देने की मुतरादिफ़ है। उन्होंने एक चीज़ लेनी होती है, 100 चीज़ें खंगालती हैं, और मेरी शॉपिंग होती है। अगर मैं इफ़ आई गो इवन अगेन माय फ्रेंड इज़ हियर, इट इज़ नॉट मोर देन 20% 20 मिनट्स 21st मिनट पे मुझे सफोकेशन शुरू हो जाती है। मैं यूं चीज़ें खरीदता हूँ, बस दैट्स इट। सर मुझे ये बताइएगा, जो बचपन की ईद होती थी वो लोग बहुत खुशी से मिलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, बहुत अच्छे से गेट टुगेदर होता था और बहुत पार्टीज़ वगैरह चलती थी। बचपन से ख्याल होता था कि ईद आएगी और हम ये करेंगे, हम अब एक प्लानिंग होती थी, प्री प्लानिंग होती थी। लेकिन अब लोग हैं, लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, सो के ईद गुजार देते हैं। तो क्या आप भी सो के? उस वक्त कम ऐसे लोग थे जो हराम कमाते थे, तो जब हराम कमाने की रस्म चल पड़े तो आपकी जो बॉन्डिंग है ना वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, आपके तो घर के अंदर बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती हैं, आप अथॉरिटेटिव नहीं रहते, आपके बच्चे अपने दुनिया में रहने लगते हैं, आपकी बीवी अपनी दुनिया में रहने लगती है, आप अपनी दुनिया में रहने लगते हैं, क्योंकि हराम के घुसने का तरीका एक है, निकलने के तरीके हज़ारों हैं। और क्या हुआ कि उसमें हराम कमाने की वजह से मटेरियलिस्टिक हुए हम लोग, तो वो जो उन ताल्लुकात का टूटना है उसने हमें फिर आ गई है, डीप फ्रीज़र आ गए और रेफ्रिजरेटर आ गए। उस वक्त हम बांटते थे गोश्त क्योंकि संभाला नहीं जाता था, अब ये बकरे ज़िबा करके डीप फ्रीज़र में रखते हैं। वो कोई और ही ताल्लुक था भैया, जिसका आज के ज़मानों से तो कोई रिश्ता आज के ज़माने में वाकई में कोई रिश्ता नहीं है। सर मुझे ये बताइएगा, कुर्बानी होते देखते हैं? देखता हूँ लेकिन डरता हूँ। डरते हैं? मुझे जान जाती है, बुरी लगती है, तकलीफ़ देती है, लेकिन क्या है कि वो हुक्म रब्बी है तो हमारी मजाल नहीं, लेकिन मैं तड़प उठता हूँ। कोई शेर कह दें ईद के हवाले से। ईद आई है सुलगती हुई यादें लेकर, मेरा नहीं है, ईद आई है सुलगती हुई यादें लेकर, आज फिर अपनी उदासी पे तरस आता है। क्या बात है। रफूगरों से मुलाकात करके आया हूँ, तुम्हारे जख्म दिखाए हैं बात करके आया हूँ। ओहो, किसी नए से मोहब्बत की बात छेड़ी है। वाह, किसी नए से मोहब्बत की बात छेड़ी है। क्या बात है। लगा के दिल से कोई हाथ करके आया हूँ। ओहो सर, वाकई में ये लिखते कब हैं? जब वो देता है। लिखारी उखारी में शायर वायर नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी, मैं मुंशी हूँ उसका, वो जब देता है मैं लिखता हूँ। कहाँ बैठ के लिखना पसंद करते हैं? मैंने गाड़ी रोक के मोटरवे पे भी लिखा हुआ है, ये ना तुम पूछो, जब वो दे दे, उसके देने की जिस दिन जिस वक्त वो राजी हुआ, ज़्यादा राजी हुआ, तो हम कहीं भी, आप 50 लोग बैठे हो मेरे इर्द गिर्द, में लिख देता हूँ। बेगमात के बिना ईद मनाने वालों को क्या, आप मर्दों को खास क्या पैगाम देंगे? लानत भेजता हूँ उनके ऊपर। सर क्यों? पैगाम क्या देना उनको, फैमिली के साथ ईद मनाई जाती है, और वरना तो ईद का तो जो मजबूर हैं बेचारे, ये लानत उनकी तरफ नहीं है। कई ऐसे हैं जो कमाने के लिए बाहर गए हुए, उनको छुट्टी नहीं मिली, कईयों के पास टिकट नहीं है आने का, ये उनके लिए नहीं है बात, जो लेकिन जो जान बूझ के फैमिली छोड़ के कहीं और ईद मना रहे हैं, लाख दी लानत। आपके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप औरतों के ख़िलाफ़ बोलते हैं बहुत, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं बिल्कुल भी। जो लोग आपको नहीं जानते वो हमेशा ये कहते हैं कि जो आप हैं बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ ड्रामास बनाते हैं, उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, तो इस बात में कितनी हकीकत है? वो कौन सा ड्रामा है मेरा जहाँ मैंने औरत को रोने दिया हो या उसकी तजलील की हो?
चीट करना एक गुनाह दिखाया। बिल्कुल। और ये ड्रामा इसलिए बनाया गया कि मैं, मेरे यहाँ एक बर्निंग इशू है, ऑनर किलिंग। मैंने मर्द को सिखाया कि हम गुनाह करते हैं जो हम मोस्टली करते हैं। अगर एक औरत गुनाह कर रही है, उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारो, उसके मुंह पर तेजाब ना फेंको, उसकी ऑनर किलिंग ना करो, उसको जाने दो, जाने दो। मैंने एक थप्पड़ ही मारने दिया उसको। आपको इस बात पे मुझे अब जब आप एक गुनाह करते हैं, वो मर्द हो या औरत, फिर उसको उसकी सजा मिलती है। वो सजा मिली उसको, आप सजा कर भुगतने के लिए तैयार है तो गुनाह करना हक है आपका, कर लीजिए। सर जो अल्फाज कहे गए थे इतने हार्ड, क्या हार्ड थे? आप ऐसे नहीं, आप यहाँ तो मुझे बात बताइए, एक मर्द के काम क्या थे? दो टके की औरत, वो लफ्ज था, जुमला था जी। इस दो टके की लड़की औरत की जब मैं बात करता हूँ तो जनरलाइज करता हूँ। इस का मतलब क्या है? दिस वन एंड नोबडी एल्स, वन हु हैज कमिटेड द सिन, यू अंडरस्टैंड? यस। तो इस दो टके की मुझे एक बात बताइए जी, जी। हम क्या क्या नहीं मर्दों को बोलते। एक इतनी गुनहगार लड़की जिसने अपना बसा हुआ घर बर्बाद किया, अपना बच्चा छोड़ा, उसको मैं दो टके के भी ना कहूँ तो क्या कहूँ? और याद रखना, मैं जब औरत की बात करूँगा जनरलाइज करूँगा। मिसाल के तौर पर मेरा एक ड्रामे का, इसे ऐसे ही एक ड्रामे का जो सुन मेरे ना तो दिल का क्या हुआ, उसका डायलॉग था कि औरत जब गिरती है तो चोट उसके मर्द को लगती है। अब इसको फिलोसफिकली समझने की कोशिश करो तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या आ जाता है। ये मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। अब गिरना दो तरह का है, अब और दोनों तरह मर्द को तकलीफ होती है, वो चाहे उसके शौहर हो बाप हो। किसी से नाराजगी आपकी है और उनको कोई सुलह का पैगाम देना चाहते हो? नहीं, उसको माफी मांगनी होगी। मैं नाराज ही नहीं होता, मुझे फोन कर लेगा या कर लेगी तो मैं माफ कर देता हूँ। माफी है उसको, ये नहीं कहता कि तू माफी मांग। ऐसा हुआ अभी, मैंने अपने जेंटलमैन में किसी को कास्ट किया जी। उसने सिर्फ फोन किया मुझे, मैंने बात भी नहीं की दूसरी। मतलब आपके कहने का मतलब है, आप गलती होने पर माफी नहीं देते हैं, अगर कोई माफी मांगने आए तो फिर आप माफ कर देते हैं इमीडिएटली। आप इतना माफी क्या, मुझे कह दे सॉरी, खत्म हुई बात। बिल्कुल सर, दिल में बातें रखते हैं? दिल में तो रह जाती, माफ कर देता हूँ। माफ कर देते हैं? माफ करना मुश्किल, माफ करना मुश्किल है? माफ करना मेरे लिए आसान है, भूलना मुश्किल है। भूलना मुश्किल है, ये प्रॉब्लम है। कोई भूली हुई बात आप कहे कि आप माफ कर देते हैं तो ये मानी जाती है, लेकिन दिल में रख के आप बोल दें, बदला नहीं लेता ना। आप मेरे हवाले से कोई जुर्म मान लीजिएगा, ये ना मानिएगा खलील रहमान कमर किसी से बदला लेता है। नो वे। मेरा दोस्त और दुश्मन दोनों काम के लिए मेरे पास आ जाएं, पहले दुश्मन का करूंगा, दोस्त का बाद में करूंगा। सर वैसे ही कुछ अच्छे अशआर अपने कहिए इसके मौका पर, ताज़ा तरीन ही कुछ अशआर हैं, वर्ज कर देता हूँ। फिर मोहब्बत की बात हो जाए, फिर मोहब्बत की बात हो जाए, तेरे हाथों भी मात हो जाए। हाथ पकड़ो ना इस सलीके से, हाथ पकड़ो ना इस सलीके से, फिर मेरे साथ हाथ हो जाए। अपनी अपनी पलकें गिरा दो आँखों पर, अपनी पलकें गिरा दो आँखों पर, कम नसीबों की रात हो जाए। आदाब। माशाल्लाह बेहतरीन। सर जाते जाते ईद के मौका पर हमारे चाहने वालों को कोई मैसेज दे दें। अल्लाह के वास्ते, मेरे यहाँ का गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। इस दफ़ा बस एक दो दिन का गोश्त रखिए पास, बाकी सब बांट दीजिए।